In EVS, today is the turn of the third video, which is about our needs. And the third important need of our life is food. We get energy with the help of food only, because we need to work throughout the day. आप लोग भी अपने एज के अकॉर्डिंग काफ़ी काम करते होंगे, राइट? गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गोइंग टू स्कूल, बट नाउ डेज देर इज नो स्कूल. देन टू, इट इज़ अ रूटीन हैबिट. Going to school, coming back from the school, then doing lot of activities, you need to, for watching TV also you need lot of energy. Then playing, physical activity is also important. Till night before you go to the bed, you also do different kind of activities, and that is the reason we need lot of energy, right? Now food is the main part. Without it, we cannot get the energy to work. And we get food from plants and animals. Plants भी हमें food देता है बेटा, animals भी हमें food देता है. There are different kind of food, and all these foods are very important for us to eat. The first one is protective food. Protective अपने आप में आपको समझना चाहिए. यहाँ पर vegetables और fruits के pictures हैं. मतलब आई वॉन्ट टू से दैट प्रोटेक्टिव मीन्स हमको सुरक्षित करना. यदि अगर हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वी वॉन्ट बी गेटिंग दैट प्रोटेक्शन. अकॉर्डिंग टू द सीजन्स इन द मार्केट, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल. बट नाउ डेज कई चीज़ें होती हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, एंड ऑल द 12 मंथ्स इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. Here certain vegetables are there, lady finger, potato, cauliflower, brinjal. These all are the very important kind of foods, vegetables that you need to eat regularly. Don't be choosy in eating vegetables. ये मत सोचना कि आप केवल भिंडी पसंद करते हो या पोटैटो पसंद करते हो. अधिकतर बच्चों को केवल ये दो वेजिटेबल्स पसंद है. But no बेटा, it is compulsory for you to eat seasonal fruits and vegetables. Look at the fruits. Here you can see apple, grapes, then your banana is there, mango is there. Mango is the king of all the fruits, right? आम जो है फलों का राजा है, और हमें ये चीज़ ज़रूर खाना चाहिए. कम टू द सेकेंड पार्ट, विच इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी, यस, सबको बॉडी बनाने का, बॉयज़ को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक होता है. लेकिन अगर आप ये सब खाओगे नहीं ना, तो बॉडी नहीं बनेगी, राइट? सो रिमेंबर दैट, ये हमारे एनर्जी देता है, अंदर से ताकत देता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में. मिल्क, एग्स, फिश, मीट, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड. कम टू द थर्ड पार्ट, यर आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ शुगर, पोटैटो, राइस, बटर, एंड दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. ये तीनों चीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मिल्क पी रहे हो और अगर उसके अंदर शक्कर नहीं है, सपोज यू आर टेकिंग मिल्क एंड शुगर इज़ नॉट देयर इन, इमेजिन वॉट विल बी द टेस्ट ऑफ इट, है ना? आपको नहीं पसंद आएगा, फीका लगेगा. सो मिल्क एंड शुगर कंबाइन कर अगर आप उसको प्रॉपर प्रपोर्शन में लेते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर यू. देन एग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फिश इज ऑल्सो. द पीपल दोज हु ईट फिश, मीट, चिकन एक्सेट्रा, दीज आर ऑल कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. जो लोग मांस वगैरह और एग्स वगैरह खाते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं. एंड द पीपल दोज हु डोंट ईट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. कोशिश करिए वेजिटेरियंस रहे. नाउ दीज आर द मेन थ्री पार्ट ऑफ द फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द एनर्जी गिविंग फूड. और ये सारी चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू कैन कंप्लीटली कीप योर सेल्फ वेरी फिट. नाउ स्विच टू दिस पार्ट, योर सर्टन 8 पॉइंट्स आई हैव रिटन, एंड इट इज़ ऑल अबाउट गुड फूड हैबिट्स. ये सारे अच्छी आदतें हैं जो आपको खाने में शामिल करना चाहिए. विच इज़ फर्स्ट वन इज़ ईट मील्स एट फिक्स टाइम. हमें खाना खाने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए. ये नहीं कि आज 1 बजे खाना खा रहे हैं और कल 4 बजे खा रहे हैं. नो, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर मील्स टाइम. दैट इज़ मॉर्निंग में क्या लेते हैं हम, ब्रेकफास्ट. दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंच.
शाम को हम कुछ अगर चाय या दूध के साथ कुछ लेते हैं उसे क्या कहेंगे? स्नैक्स। और रात को जब हम खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर। सो दीज ऑल फोर टाइम्स यू नीड टू डिवाइड इन टाइम एंड ट्राई टू टेक ऑल दिस थिंग्स इन द फिक्स टाइम। कम टू द सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर पर डे। एक दिन में कम से कम 8 glasses ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए, बिना उसके हम अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे। पानी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ नंबर 3, च्यू फूड प्रॉपरली। खाना जब भी हम खाते हैं उसे च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, बिकॉज अगर हमने डायरेक्ट उसको स्वॉलो किया, नीचे ले लिया, तो इट विल गिव अ प्रॉब्लम। स्टमक पेन हो सकता है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। फूड को प्रॉपर च्यू करना चाहिए एंड देन ओनली वी शुड टेक इन। नाउ फोर्थ इज डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। अधिकतर बच्चों की आदत होती है, लंच में मैं देखती हूँ, व्हेन यू पीपल वे आर कमिंग टू स्कूल, आई हैव सीन यू, आई हैव ऑब्जर्व्ड यू दैट व्हाइल ईटिंग यू आर फुसफुसाइंग विथ योर फ्रेंड्स। सो नेवर डू दैट। नेवर वॉच टीवी ऑल्सो व्हाइल ईटिंग। दिस ऑल टू हैबिट्स इफ यू आर हैविंग, प्लीज स्टॉप दैट। कम टू नंबर 5, अवॉइड जंक फूड। जो बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं पसंद है वो लोग अधिकतर इन चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं। चिप्स, बर्गर, सैंडविचेस, दीज ऑल थिंग्स यू ट्राई टू टेक इट जब आप बाहर जाते हैं। बाहर का खाना प्लीज़ अवॉइड करिए। स्टॉप टेकिंग जंक फूड, इट इज़ सिंपली गोइंग टू स्पॉइल योर हेल्थ। लुक एट नंबर 6, नेवर वेस्ट फूड। खाना हमें नहीं कभी भी खराब करना चाहिए या उसे फेंकना नहीं चाहिए। रीज़न, हम खुश नसीब है कि हमें बहुत सारा खाना मिलता है, हम अपने घर के अंदर आराम से खाना खा के पेट भर के शांति से रहते हैं। लेकिन कोरोना के समय में आपने टीवी में, न्यूज़ में देखा होगा, ऐसे करोड़ों जनता है अपने देश में, पूरी दुनिया में, जिनको 2 वक्त की रोटी की बात नहीं हो रही है, 1 वक्त का खाना भी उनको सही तरीके से नहीं मिलता है। सो प्लीज़ बिफोर वेस्टिंग द फूड थिंक अबाउट दैट पीपल। नाउ नंबर 7, शेयर फूड। ये शेयरिंग की आदत हमें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हमेशा हमें फूड शेयर करके खाना चाहिए। अगर एक आपके पास में कोई बिस्किट का पैकेट है और आपके घर में 2-3 लोग हैं, तो यू शुड फर्स्ट आस्क देम, ऑफर देम एंड देन यू शुड हैव। कभी भी ऐसा नहीं कि खुद लेके बैठ गए और खा लिया। डेवलप दैट नेचर इन यू। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेक बैलेंस्ड डाइट। कैसे ले सकते हैं आप? ये सारी चीज़ों का सेवन करके आप बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं। मेरे बच्चों, I just want to tell you one thing, please try to take balanced diet, keep yourself fit, strong and healthy. Take care, thank you.